मंगल भवन अमंगल हार कब हो तो दशरथ हम रामायण गा रहे हैं, आशीर्वाद है, और तुम ये क्या चीज गा रहे हो? कुछ गलत कह दी ना का? क्यों नहीं? वह ममता ने घुसे नहीं दिया है। इज्जत चाहो तो रखो रंडी। काहे महाराज के दरबार में नाचे वाली रंडी होती रहे तो नाच गाय के शोभा बढ़ाती नहीं बढ़ाती? तो कौन हम गलत कह दी ना? नहीं नहीं वैसे तो तुम सही कह रहे हो भाई। अब तुम्हारे आगे को है हो बेटा, तुम खुराफातिन वाली बातें बतलाई हो क्या? कौन खुराफात या खोज दी ना हम? काहे कहत कबीर सुनो भाई साखी और तीन जनन की वंती साखी। हम कौन गलत कही थी का? अच्छा पंडित जी आए हो, तुमका पता नहीं? नहीं पता तो है लेकिन तुमके पूछा चाहिए थे। आदमी तीन आखी वंती। हाँ बताओ। न बता पाई हो? हम बताई। अरे हम तो जानते हैं लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। यो बताओ रावण के कैसे शीश रहे? अरे तुम बताओ ना। दस शीश रहे? हाँ। बीस आँखी हो गई? बीस आँखी हो गई। ब्रह्मा जी के कैसे शीश रहे? चार। कई आँखी हो गई? आठ। आठ और बीस आठ कत्ते हो गई? अट्ठाईस हो गई। और यहाँ का कि शुक्राचार्य पंडित जी के रहे उनतीस आँखी हो गई। अरे बताओ पंडित जी का है? तुम ही बताओ यो का है? हम जाने तुम लोग हम तक पहुंची बाबा थोड़े हो, लेकिन अब कहा बताए महाराज का देव? नहीं नहीं तुम बहुत ज्यादा पहुंची बाबा हो ना। कहा तक कबीर सुनो भाई साखी और तीन जने में दो जने की आखी कैसे बताओ? श्रवण के माता पिता अंधे रहे, दो जने रहे, दोनों सूर रहे, नहीं दिखाता रहे ना माता का ना पिता का। खाली श्रवण कुमार के दिखाता रहे उन्हें की दो आँखी रहे। ऊपर कोनो गलत कही तू? अरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
तेरी हम का भजी है फायदा अच्छा? भाई उका हरिका भजी हो तो हरिका हो और तुमका भजी हो तो लड़का हो भजे रहे देखो हुआ कि नहीं हुआ अच्छा और तुमका ना भजे तो फिर लड़का ना हो कटाई ना हुई है फिर भटक कटैया के पाती घोर घोर पिए के पड़ी तब हो अरे भैया का कही तुमका तुम मोबाइल ही हो यहाँ एक काम करो हाँ हाँ चले हैं राजमहलों की तरफ क्योंकि महाराज ने हमको बुलाया है हाँ चलो 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 तुम चलो तुम चलो महाराज ज्योतिष बाबा आएंगे हे गुरुदेव कंचनगढ़ नरेश आपको प्रणाम करते हैं आलो हे गुरुदेव आपको इस दरबार में अचानक बुलाने का कुछ ऐसा समय आ गया जो आपको बुलाना पड़ा ठीक है राजन बोलो हमें किस लिए बुलाया गया है हे गुरुदेव हमारी महारानी पूर्वा ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो मेरे सेना नायक रावत सिंह के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि इस बच्चे के मस्तक पर त्रिशूल का निशान है हे गुरुदेव कृपा करके ये बताएं ये निशान का कैसा फल है हेलो अवधेश कुमार भाई साहब ये मेला कमेटी की तरफ से ये सीन पर खुश होकर 10 मुद्रा प्रदान करते हैं पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया राजन गुरुदेव बालक को हमारी गोदी में दो हाँ गुरुदेव बताओ इसका बिहाव कब हुई जल्दी बताओ वाह राजन वाह वाकई में ये बालक बहुत भाग्यशाली है क्योंकि महाराज इस बच्चे के मस्तक पर भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल का निशान बना हुआ है हाँ गुरुदेव ये तो बहुत अच्छा है और राजन ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है अच्छा गुरुदेव राजन शायद इसी बच्चे के द्वारा एक दिन आपकी आंखों की रोशनी पुनः वापिस आएगी क्या कहा गुरुदेव कहा बताओ इसी बच्चे के द्वारा महाराज देखे लगी है हाँ इस बच्चे द्वारा हाँ हाँ अरे वारे महाराज हेलो महाराज क्या बात है हेलो एक आवश्यक सूचना देखिए हमारे श्रीमान रिंकू भाई साहब एक ग्राम कोटवा निवासी 11 रुपए का पुरस्कार भेजा है और उनका कहना जो सज्जन लेजर टार्च मार रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप लेजर टार्च मारना बंद करते हैं भारी मेहरबानी होगी सही है भैया बिल्कुल सही और राजन हाँ मैं इस बालक का नाम शिवा रखता हूँ अरे वाह गुरुदेव इस बच्चे का नामकरण भी आपने कर दिया और इस बच्चे का नाम शिवा रखता है हाँ राजन क्या बात है और गुरुदेव आपने एक बात कहा कि इस बच्चे के द्वारा मेरे आंखों में रोशनी आए महाराज ये सच है मैं तो धन्य हो गया आपने से लाल को जन्म दिया है जिसके कारण मैं भी दुनिया देख सकूंगा प्रिय धन्य हो प्रिय हे गुरुदेव आपने ऐसा कुछ कहकर मेरा दिल जीत लिया है हे सेना नायक हाँ दानवीर सम्राट मैं चाहता हूँ गुरुदेव को इतना धनमाल दे दिया जाए इनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े ठीक है महाराज आप बैठिए दरबारी कम हियर मैंने कहा कम हियर क्यों कहा यहाँ आओ देखो ये फारसी पढ़ाई हमते ना हमते सीधे सीधे अरे यहाँ आओ आज यहीं कहो यहाँ आओ भाई जाओ कहाँ जाई दरबार में तो यहीं कहो और खजांची से कह दो महाराज का हुक्म है कि गुरुदेव को इतना धन दे दिया जाए कि आज के बाद इन्हें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े ताउम्र बैठ कर ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी बिताएं ठीक है बैठो बैठो महाराज गुरुदेव आओ भाई यह बताओ तुम सीधा ले हो कि टेढ़वा ले हो काले हो जौन बताओ हम भेजी बेटा हमें सीधा चाहिए सीधा और टेढ़वा
ये सीधा और टेढ़वा क्या है? याद बात बताओ महाराज, टेढ़वा नहीं जानो का कहेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। सीधा यहां दाल चाउर आटा और मन नमक रखा जो तो सीधा आवे करे, और टेढ़वा? टेढ़वा नहीं जानो का क्या है? लौकी तुरई करेला का? करेला नहीं खा दूंगा? नहीं खाते तो है लेकिन ये चीज नहीं चाहिए। अच्छा सब्जी नहीं खाते? सब्जी से एलर्जी है? नहीं नहीं एलर्जी नहीं है, खाते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन ये लौकी वाकी नहीं चाहिए, बस मुझे सीधा दिला दीजिए। चलो आओ आओ, तुमका सीधा दे। सेना नायक और ज्वाला सिंह, आज दरबार में, पूरे दरबार में संपूर्ण खुशियां मनाई गई बच्चे के जन्म उत्सव में। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि सेना नायक आप अपनी सरहद की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि कोई भी दुश्मन आपकी गैर मौजूदगी में चढ़ाई भी कर सकता है। सत्य कह रहे हैं महाराज, इसलिए मुझे इसी वक्त प्रस्थान करना होगा। बिल्कुल सही, मैं जा रहा हूं। सदा कल्याण हो आपका। और महामंत्री ज्वाला सिंह, कहिए सम्राट, आप प्रजा की तरफ जाएं और देखिए जो भी यहां पे धनमाल खुशियां लुटाई गई हर एक तक पहुंची या नहीं पहुंची। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। सदा खुश रहो, कल्याण हुआ। प्रिय चलिए अब हम महल में आराम करते हैं। प्रिय चलो चल के आराम करेंगे हम। स्वामी चलो। जू 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 कचवा बनी है गोल गप्पा। दिल मेरा इसलिए जल रहा है कि सारा ढोंगी बाबा, क्या उस बच्चे को बताया कि बच्चा बहुत बड़ा भाग्यशाली है, और इसी बच्चे के द्वारा महाराज की आंखों में रोशनी आएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं चलूं, ये साला बाबा अपने घर तक नहीं पहुंचा होगा, और इसे पूछूंगा आखिर मेरे भाग्य में क्या लिखा है, कितना विद्वान है। आगे की बात इस सीन के बाद बताऊंगा। हाँ दोस्तों, कहानी पर गौर करने की बात है। देखिए वही बाबा
अभी रास्ते में है और उसी रास्ते में देखिए ज्वाला सिंह मिलता है और देखिए क्या करता क्या नहीं करता है, आप लोग देखिए। चलते हैं, महाराज ने मुझे इतना धन दे दिया है कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलकर घर में बैठकर आराम करेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। और चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पांव में पड़ जाए छाले, चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पांव में पड़ जाए छाले, चल रे कांवरिया प्रणाम करता बेटा। बोलो क्या बात है बेटा। बाबा आप तो सबकी भाग रेखा बताते हैं, और बाबा आखिर मेरी भाग रेखा में क्या लिखा है महाराज, मेरी हस्त रेखा देखकर बताइए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी हस्त रेखा देखकर बताऊंगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या है। बेटा शायद आपकी हस्तरेखा ये बता रही है कि आपके आपके ऊपर घोर संकट आने वाला है। क्या घोर संकट आने वाला है मेरे ऊपर? हाँ, ओ भी घोर संकट। हाँ। आखिर कौन सा संकट आने वाला है महाराज? बेटा अगर इस उपाय से आप बचना चाहते हो तो गरीबों में रक्तदान, धन दौलत यानी कि जितना हो सके भरपूर बांटो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा बेटा इस संकट से एक दिन तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। क्या कहा? मेरी मृत्यु हो सकती है? हाँ। असंभव। महाराज आपने मेरी भाग रेखा तो बता दी, मगर आपकी भाग रेखा क्या कहती है? बेटा मेरी उम्र पूछ रहे हो अभी कितने दिन तक है? हाँ योगीराज, मैं 100 साल जीऊंगा, इस वक्त 60 साल का हूं, अभी 40 वर्ष और जीऊंगा, यानी कि मेरी 100 साल की जिंदगी है। वाह मुनिराज वाह, तुमने मेरे भाग्य रेखा में बताया कि कोई संकट आ सकता है और तुम अभी 40 साल जीना चाहते हो। मुनिराज अगर मैं आपकी उम्र कम कर दूं तो? साला मुझे बताने आया था कि मेरे जीवन में कोई संकट आएगा नहीं। अरे तूने भाग रेखा के विषय की बात बताई मुझे, मैंने तुझे गोली मार दिया,
अब देखता हूं कौन संकट आएगा मेरे ऊपर और कौन आने वाला है। महारानी जी अपने सैन कक्ष में बच्चों को लेकर सोती हैं और वही मंत्री ज्वाला सिंह आता है और देखिए क्या आगे कहानी करता है कि सिंह गौर के धर्म देखो कालीचरण मैं बच्चों को लेकर आराम करने जा रही हूं और आप लोग गेट पर अच्छी तरीके से ड्यूटी करना ठीक है। देखिए महारानी तो सो गई गई। ओ हम हो यार ऐसा है काल हमारे गांव रहा नौटंकी। अच्छा हाँ सुकुल बाजार के लिए इधर है भैया तो रात भर नौटंकी देखे हमारी वहाँ की करवा रही करुआ ऐसा करो हाँ। थोड़ी देर तुम सो लियो हाँ। हम जागी और जब हम सो जाए तो तुम जागो ठीक है। महारानी की जागे पहले दोनों जने जगत ही मिली जगत है ना ताकि कोनो बात हुआ ना पाओ ना चलो तुम सोयो के हम जैसे बताओ चलो सो जाओ। अरे जागत तो नहीं रे नहीं सो जाओ हम जागे परेशान ना सो मुंह सार खान चढ़ो तो बराबर दांत सहरी नहीं एक तो एक सहरी आ जाता नौटंकी यो तो सार सोएगा बहू जो सार सोएगा का हमका जाने पाएगी हम सो गए चलो अब हमहू नींद लागे अब हमहू सोईब मच्छर सर सोवे नहीं दे रहे हैं हम कहते सो जाओ उन्हें लगा के मोटीन मत डरब सर यो और बना के चाउमीन खा लिया माने चुप्पे सो Anybody?
लेकिन मेरे बाप ने कहा था, बेटा अगर भद्दर नींद ला गए तो सोए जरूर लियो। अब हम सो लगायो दर्जी अच्छी चलिए तुम सी आयो।